एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल वन टू वन क्लासेस में। आप हैं मेरे साथ यानी का आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं या जिस चैप्टर के एमसीक्यू हम लोग करने वाले हैं भाई, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं यूपी टीजीटी कॉमर्स, यूपी पीजीटी कॉमर्स, केवीएस पीजीटी कॉमर्स, एनवीएस पीजीटी कॉमर्स, डीएसएसपी पीजीटी कॉमर्स, जितने भी कॉमर्स से रिलेटेड एग्जाम है भाई, ये चैप्टर लाजवाब है। One of the finest, one of the most important chapter of accountancy. Chapter का नाम है आपका, जी हाँ दोस्तों, chapter का नाम है आपका computerized accounting system. Most important chapter है आपका, class 11th की accountancy में इस chapter का जिक्र है। Time ना waste करते हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके सामने आ चुका है, which one of the following is the limitation of computerized accounting system? भाई हर चीज computer में entry करना, check करना, time लगता है बहुत ज्यादा। क्या क्या limitation देखते हैं? हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, महंगी लगती है ट्रेनिंग यार, इसको किसी इंसान को ट्रेन करना इसमें काफी महंगा है। एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, बीमार पड़ जाता है इंसान। स्टाफ ऑपोजिशन, कभी कभार स्टाफ भी आपका साथ नहीं देता। लग तो सारे से ठीक रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा हमारा। काफी मुश्किल है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम को कर पाना, काफी मुश्किल काम है, काफी ज्यादा टाइम लगता है इसके अंदर और हेल्थ भी खराब हो जाती है कंप्यूटर पे सारा दिन बैठे 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 बैठे। हम भी तो आपके लिए बैठे हैं, तो जल्दी से जल्दी फटाफट वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल वन टू वन क्लासेस हमेशा आपके साथ, आपकी सेवा में 24/7। क्वेश्चन नंबर टू, डैश इज द नेम ऑफ सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर का नेम है दोस्तों? सोचिए सोचिए सोचिए, टैली एक सॉफ्टवेयर है, ईएक्स एक्सेल भी हमारा जैसे रहता है, बिजी सॉफ्टवेयर है, सारे सॉफ्टवेयर है भाई, सबके सब हमारे और कुछ नहीं है, सारे के सारे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, इन सब सॉफ्टवेयर के थ्रू हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो ये सब सॉफ्टवेयर है, टैली भी एक्सपी बिजी भी, सबके सब क्या है हमारे सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इज वेरी हाई इन केस ऑफ डैश, ओके, किसकी कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन सबसे ज्यादा हाई होती है? रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर की, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की, टेलर मेड सॉफ्टवेयर की, या सबकी? तो दोस्तों कहा जाता है टेलर मेड सॉफ्टवेयर की कॉस्ट सबसे ज्यादा हाई रहती है, सबसे ज्यादा समय या सबसे ज्यादा जो पैसा है इसको इंस्टॉल कराने में लगता है, ये और सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करने में हेल्प करता है, इसलिए बहुत महंगा सॉफ्टवेयर है, तो सबसे ज्यादा इंस्टॉलेशन इसी के ऊपर खर्च करना पड़ेगा, इसको कहते हैं टेलर मेड सॉफ्टवेयर, तो ये और सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करने में हेल्प करता है, इसलिए काफी ज्यादा महंगा पड़ता है, इसको इंस्टॉल कराना काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। लेवल ऑफ सीक्रेसी इज वेरी लो इन केस ऑफ डैश, ओके, लेवल ऑफ सीक्रेसी किस में सबसे कम है? भाई कस्टमाइज में तो फिर भी आप सीक्रेट मेंटेन कर सकते हो क्योंकि आपने अपने अकॉर्डिंग करा है, टेलर मेड में औरों को भी कस्टमाइज करते हो, इसमें भी आपकी सीक्रेसी अच्छी खासी हो सकती है, लेकिन रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर जो होते हैं ना दोस्तों, जो सबके लिए सेम बनाए गए हैं, जिसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, जो सबके लिए सेम है, उसमें सीक्रेसी वैसे भी नहीं रहती क्योंकि वो सबके लिए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहते हैं, तो आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर थ्री, ध्यान रखे चलेंगे। क्वेश्चन फाइव, इट इज इजी टू लर्न, सबसे आसान किसको सीखना है? भाई ऑब्वियसली बात है, जो सबसे थर्ड क्लास है, घिसा पिटा सॉफ्टवेयर है, वही सीखोगे सबसे ज्यादा, तो वो है रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर, सबसे ज्यादा आसान इसी को सीखना है, ये तो वो हो गया जो आपके ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें आपको कोई कस्टमाइजेशन नहीं करना, कुछ नहीं है, ये तो बेसिक सॉफ्टवेयर है, इनको सीखना सबसे ज्यादा आसान है और अकाउंट के लिए सबसे ज्यादा यही सॉफ्टवेयर का यूज करा जाता है, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों आप लोग। द सॉफ्टवेयर इज नॉट डेवलप अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सम स्पेसिफाइड यूजर, ओके, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर है जो किसी भी स्पेसिफाइड यूजर की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं बनते, वो कौन से हो सकते हैं दोस्तों? देखो कस्टमाइज तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर हो नहीं सकता, क्योंकि कस्टमाइज का मतलब ही होता है कि कस्टमर के अकॉर्डिंग हुआ है, तो कस्टमाइज तो नहीं होगा, टेलर मेड भी नहीं होगा क्योंकि उसमें तो ऑल्ट्रेशन करना पॉसिबल है, क्योंकि उसमें तो मैं औरों के भी सॉफ्टवेयर की ऑल्ट्रेशन कर सकता हूं, तो ये रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर ही होगा यार, और क्या हो सकता है? तो दोस्तों सिक्स का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर वन, कि भाई ये जो रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होते हैं इसमें किसी स्पेसिफिक यूजर के लिए कोई चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं, और ये किसी के हिसाब से भी बने नहीं होते, ध्यान रखे चलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की लिमिटेशन नहीं है? मुन्ना पहचानो पहचानो पहचानो, सिक्योरिटी प्रॉब्लम लिमिटेशन हो सकती है, सिस्टम फेलियर हो सकती है, लाइट ही भाग गई है, वाओ नुकसान हो सकता है, हाई कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग लिमिटेशन हो सकती है, बहुत पैसा लगता है, फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग तो नहीं हो सकती, ये अच्छा जहां बैठो वहां पे रिपोर्टिंग मिल जाए, ये लिमिटेशन थोड़ी ना, ये तो फायदा है यार कि जहां मर्जी बैठो, जहां बैठो लैपटॉप चलाओ घर से, यहां से ऑफिस से कहीं भी, और रिपोर्टिंग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, तो ये लिमिटेशन नहीं है, इंपॉर्टेंस है दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे।
क्वेश्चन नंबर एट, डैश इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ओके, इनमें से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट है? कैलकुलेटर तो कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, पेरोल अकाउंटिंग भी नहीं है, जर्नलाइजर तो बिल्कुल भी नहीं है, मॉनिटर, हाँ यार मॉनिटर ही तो है, मॉनिटर कंप्यूटर सिस्टम का कंपोनेंट है, इसी पे तो मैं देखता हूँ, मेरे सामने जो स्क्रीन है ये तो मॉनिटर है, अगर ये पीसी होता तो यही आपका क्या बन जाता? मॉनिटर बन जाता दोस्तों, दाने के चलेंगे, जिसको मैं छुपा रहा हूं यही हमारा मॉनिटर है। क्वेश्चन नंबर 9, डैश इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, बताना है भाई कौन सा इनमें से सॉफ्टवेयर का टाइप है? ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है, ये तो सभी सॉफ्टवेयर है यार, वाह भाई वाह, तो सब सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ द अबव, यस। और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आ चुका है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? हाई स्पीड एडवांटेज है, हाई कॉस्ट पे यार, कॉस्ट कहां से एडवांटेज हो गया, लग तो यही रहा है, हाई रिलायबिलिटी एडवांटेज हो सकता है, हाई सिक्योरिटी ऑफ डेटा एडवांटेज हो सकता है, हाई कॉस्ट तो हमारी लिमिटेशन हो सकती है, डिसएडवांटेज हो सकती है दोस्तों, तो ये हमारी एडवांटेज तो दूर दूर तक नहीं है, हाई कॉस्ट तो भैया हर चीज में या जिस भी चीज में हाई कॉस्ट आ जाए महंगा पड़ रहा है, तो ये एडवांटेज तो नहीं है यार, पक्की बात है। तो ये थी दोस्तों हमारी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग पे बहुत ही शानदार एमसीक्यू, सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल 1 to 1 क्लासेस पे और लाइक करना मत भूलेगा दोस्तों वीडियो को, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।